गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किट्टू ब्लॉग्स के चैनल पे। पाइप लेकर भाग गई। तो गाइस, हम किचन में आ गए हैं और पानी आ रहा है जिसमें हम पाइप लगा रहे हैं। इसको इधर से नहीं तो फेंक देता है, अगर इसको नहीं पकड़े रहेंगे ना उधर से मुड़ा रहता है तो पाइप फेंक देता है। और आज हम किचन में क्या बनाने जा रहे हैं? बनाने जा रहे हैं कुनरू की सब्जी। आप लोग कैसे कुनरू की सब्जी बनाते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम तो इसको कुनरू को धुल दीदी ने धुल दिया था और हमने कट कर दिया है। इसमें मिर्चा डाल दिया है। मुड़ा नहीं है ना, चालू किए हैं। और इसको तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अरे इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो छोड़ दिया इसलिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरा का तड़का दे देते हैं। मैं कैमरा लगा देती हूँ, मेरा कैमरा मैं फ़ोन अपना कहाँ रुको समझ में ही नहीं आता। इधर रखती हूँ, गिरे ना, आईफोन है, जितने का काम नहीं होगा उतने का ये सब काम हो जाएगा। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम जीरा का तड़का दे देते हैं क्योंकि तेल हम बहुत देर से डालते थे, जब हम कट कर रहे थे तभी हम जीरा डाल दिए थे, हमके तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। और इसमें क्या है, जो कुनरू है, मैं कुनरू तो हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें जा रहे हैं ये कुनरू डालने। मिर्चा मैंने निकाल दिया था, तेल डाला रहता है ना तो ज़्यादा अच्छे से लाल होता है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो। कुनरू की सब्जी हम लोग की फेवरेट है। इसको मैं बना दे रहे हैं आप लोग को दिखा दे रहे हैं। एक कुनरू है तो ना अच्छी, इतनी मोटी होती जा रही है कि इसको इसको कोई ड्रेस ही नहीं हो रहा है। मोटी हो हम तो आए हम भाई, देखो बोलने का तमीज देख लो कैसा है। हम चलते इसको पहले धुल लेते हैं, ये सब जो रखा है इसको हम तेज आंच पे चलाएंगे। तो हमें बीच बीच में ऐसे चेक करना है। देखिए हमारे कुछ कुनरू इस तरह लाल हो गए हैं तो अब हम क्या करते हैं, काली मिर्च इसमें भूख करके। देखिए मेरी इसका भाव जो है मेरे कैमरे के पास आ रहा है, तो ज्यादा लाल कर देंगे तो बहुत एकदम कड़ा कड़ा लगेगा, तो इसलिए सादा लाल नहीं करेंगे, मतलब करेंगे तो आपको दिखाएंगे कितना लाल करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, काली मिर्च भूख के डाल देते हैं, उसके बाद इसमें नमक डालेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, तो काली मिर्च नहीं तो सर हम नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक। कोई सहरी बाबू दिलेरी बाबू हरी मैं क्या क्या डालने जा रही थी मैदा, दोनों सेम सेम कलर का था ना, कंफ्यूज हो गए क्या डालने जा रहे हैं। ये देखो नमक डाल रही हूँ, कोई सहरी बाबू दिलेरी बाबू तो गाइस ये कुनरू हमारा हो गया है और इसमें काली मिर्च मतलब नहीं था इसलिए हम नहीं डाले, बट आप लोग काली मिर्च को हल्का सा डालो तो सब्जी का स्वाद और अच्छा लगता है, तीखा तीखा के लिए होता है। लेकिन ये देखिए सादा, मैंने इसको लाल नहीं किया ये ज़्यादा जल जाएगा तो अच्छा नहीं। इसको मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ, इसमें जितने ढेर सारे ऑयल है मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ। ऐसे अगर आप लोग भी बनाते होंगे तो आप लोग भी कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ हम भी ऐसे कुनरू की सब्जी बनाते हैं। आप लोग को पता है कितना भी अलमारी होता है लगा दो ना, लेकिन अलमारी ये बिखर ही जाता है। रीसा थोड़ा उधर चलो तो खाना खाते हैं, कैसे कबाड़ बन जाता है अलमारी एकदम से। तो ये पति जब हमारे पैंट नहीं पहने, दुनिया भर का पैंट निकाल के रखे हैं, लेकिन जो नहीं पहन रहा है उसको देख रहे हैं, वो इतना निकाले ना अभी इतना इधर है, आपको दिखाते हैं। ये देखो इतना इधर है अभी इतना इधर है। अब मुझे इसको तय लगाने में तो कुछ तो समय लगेगा ही, तो मैं फटाफट करती हूँ।
हमने ये अलमारी तय लगा दिया है। फिर भी अभी एक दिन और मैंने आपको दिखाया था कि ये चीज हमने कर दिया है, लेकिन फिर भी देखे ना फिर ऐसे भी खराब जाता है। और इतना कपड़ा देख रहे हैं इसमें, इसमें जब हम पहनेंगे नहीं तो फिर इसमें रखेंगे बैठा लेंगे, जो नहीं पहनना उसको नहीं रखना। तो गाइस हम देखते हैं कि अब इसका हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। ये लोग देख रहे हैं, ये लोग मोबाइल चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या करें हम, समझाते समझाते इन लोगों को हम थक गए हैं, बोलते हैं पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, ट्यूशन जाती हो तो कम से कम पढ़ा करो। सुबह ही पढ़ लिए थे इसको, अब सुबह पढ़ लो फिर नहीं पढ़ोगे। क्लास सही कर रहे थे क्या? बेटे के स्कूल में जाओगे? ये स्कूल जाएंगे, घर पढ़ते नहीं स्कूल जाएंगे, हद है। कल सोनाक्षी की दिखा दो, सब तो अपना एनर्जी दिखा दो, जो काला हुआ दिखा दो। चाचा दिखाए हैं, दिखाए थे। बाप रे इतना काला हो गया है, ऐसी लड़की तो किसी को ना मिले, इतना बेकार है। इसको गिरा देती है कभी, जब छोटा सा था ना तो इसको फ्रिज में बंद कर देती थी, इतनी हिम्मत इसकी थी। रुक नहीं, पड़ोसी आगे करता था। तो गाइस सोनाक्षी बहुत खतरनाक लड़की है। तो गाइस ये जुबान बहुत तेज लड़ाती है और बोलने का तो बिल्कुल मैंने नहीं है, छोड़ो जाने दो इसकी बातें मत करो। ऋषभ बहुत अच्छा लड़का है, ऋषभ गाली वगैरह नहीं लेकिन उसका सुन सुन के वो भी देने लगा है। तो मिलते हैं कुछ देर में, इस कपड़े का क्या करेंगे पता नहीं, क्या करेंगे देखते हैं। ऋषभ किसका स्लीपर पहने हो, हाँ लड़की बन जाते हो। ये देखो इनकी इनकी नोज पे देखो क्या हुआ है, ये लड़की की वजह से हुआ है, ये लड़की ऐसी की है, सोनाक्षी जायसवाल ने ऐसा किया है। और वो बैठे बैठे रील्स बना रही है, प्रैक्टिस कर रही है, कॉपीराइट आ जाएगा। सो फैमिली आजकल बहुत जल्दी शाम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो जा रहा है, कब रात हो जा रहा है, कब दोपहर हो जा रहा है। खाना पीना खाते बनाते सब नटक जाए, और इतना कपड़ा हमको भी इस बेड के अंदर डालना है। और जो हमने कपड़े निकाल के रखे थे इसमें कुछ जो कपड़े हैं भी, इसमें दो तीन टॉप नए नए हैं। तो हमारी मौसी की जो बहू है आई है दिल्ली में, उनकी लड़कियां यहीं पे जॉब करती है, तो यहीं पे आई है। मैंने उनको बोला कि आप आ जाओ, तो बोल रही मैं अकेले हूँ कैसे आऊंगी कैसे नहीं आऊंगी, तो फिर देखिए क्या होता है। अरे बोली थी बताना कैसे आएंगे, तुम बोली हो कि हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में कॉल करके, तो हम जाएंगे आएंगे रात में चली जाएंगी, रात में मिलके चली आएंगी उनसे। उनका गली के अंदर घर है और मैंने उनसे बोला था कि आप आ जाओ, बट आई नहीं हो, कोई बात नहीं। तो मैं सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन ये हमको बोली नहीं मत जाओ, क्या करोगी जा करके, और खुद बोल रही है आज जाने के लिए। ऋषभ आ जाओ इधर, आ जाओ फिर मम्मी आ जाएंगी, सोनाक्षी को गई है ट्यूशन छोड़ने के लिए। फिर से मैं अपने भाभी को आप लोगों को मिलाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले वही मेरी भाभी बनी थी, और बहू मेरी मेरी सगी मतलब जो मेरी मम्मी की सिस्टर है बनारस वाली, वो सगी मौसी की बहू है, तो उनकी लड़कियां यहाँ पे जॉब करती हैं। तो मौसी वो देखने आई है कि हाँ पे जैसे होता है ना कि किसी की लड़की हो तो फिर टेंशन होता है कि हाँ एरिया कैसा है क्या है, बट कोई नहीं, हम लोग के अगल बगल में ही रहती है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो हम कल जा रहे थे तो दीदी ने बोला कि क्या करोगी जा करके यहीं पे बुला लो, तो फिर आज वो सुबह फोन की थी, तो मैंने रात भर उनका वेट किया कि वो फोन करेंगी तो जिया जी को सुबह गाड़ी भेज देते तो लेकर चले आते, लेकिन उन्होंने कॉल ही नहीं किया। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने कॉल कर रही कि भेज दो मैं आ जाऊं, फिर ऐसे मुश्किल हो गया। तो क्योंकि जीजा जी अब चले गए हैं तो और ये भी चले गए, कोई है नहीं तो फिर कौन जाएगा लेने के लिए। तो हो सकता है अगर वो लोग आ जाते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ओ माय गॉड अजान हो रहा है, बात करेंगे तो फोन किया है। इसीलिए तो बोल रहे थे कि अगर आप फोन किए तो सुबह ही हम लोग आ जाते हैं, लेकिन आप फोन ही नहीं की तो वो चले गए। अच्छा तो उनको आते हैं चंदा? वो तो आते हैं, अगर फोन करेंगे क्या पता कर इधर आस पास रहेंगे तो आ जाएंगे, अब वो फोन करे तब ना उनको। हाँ जैसे मतलब चंदा जैसे इधर हो गए भाई, तब का भाई तुम तो अभी तक घूम रहे हैं तो दिल्ली में तुमको तो रास्ता तब देखा होगा। हाँ इधर तो नहीं होंगे, हम तो कह रहे हैं कि आप ऑटो पकड़िए वहाँ यहाँ तक आ जाइए, हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं, हम बाहर लेने आ जाएंगे। अरे यहाँ अभी कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं है यहाँ पे। कुछ आएगा तो गाइस ही किसी को पूछेंगे, हाँ और किसी का होना भी जरूरी है। तो हाँ कि कोई आया है दूर से तो चलो कम चंदन से बात करके ना
हाँ ठीक है ठीक है। हाँ पूछ के आपके बता तो रखते हैं। छत पर अभिला आए कपड़ा लेने आए हम, चलो छोटू कपड़ा लेकर आए। अच्छा तो हो जाएगा तो नेहा भी चली आएगी, आज रुक जाएगी कल जाएंगे आप लोग क्या कर। तो नेहा से तो आया कि अगर थोड़ा लेट हो जाएगा बेटा तो तुम भी उधर ही से आ। हाँ जी यहाँ तो पास में ही है ना, क्या करेगी उसको तो एड्रेस हम सेंड किए थे। अच्छा हाँ नहीं तो क्या करेंगे अगर जैसे लेट होगा तो बताएगी तो हम स्कूटी से आ जाएंगे ना। हाँ ठीक है, अच्छा हम फोन करके आपको बताते हैं। ठीक है तो गाइस आपने देखा ना कि हाँ कैसे क्या हुआ, तो मैं फिर अब जाजू जीजी को फोन करके आप लोगों को बताती हूँ फिर वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो गाइस मैंने फोन कर दिया तो अब आ रही हैं भाभी जी, आ रही हैं और उनको लेने जिया जी जाएंगे क्योंकि वो तो यहाँ देखी नहीं है तो इसकी वजह से वो जाएंगे लेने के लिए। अब वो आएंगे तो आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे हमारे पतिदेव का ब्लॉग आ रखा है तो कल के वाले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत कम प्यार दिया, ऐसा लगता है कि आप लोग प्यार ही नहीं करते हो। तो उन आप सबको पता है मुझे मैंने जब भाभी की लड़की आई थी तो उनको पहले ही मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप आइएगा तो ज़रूर आइएगा, और वे वेट कर रही थी कि हाँ कोई फ़ोन करे करे। और अचानक से हमने कल उनको फ़ोन भी किया कि हाँ भाभी आप क्योंकि उनको बहुत बार हमने फ़ोन किया उठा ही नहीं तो सो गई थी क्योंकि वो उनकी लड़की चली जाती है ऑफिस तो उनको समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे तो सो जाती हैं। तो आज आ रही हैं क्योंकि कल या परसों का ट्रेन भी हो चली भी जाएंगी तो आती हैं तो फिर आप लोग को उनसे मिलवाते हैं, वेट करिएगा। तो गाइज मैंने फ़ोन कर दिया तो अब आ रही हैं भाभी जी, आ रही हैं और उनको लेने जिया जी जाएंगे क्योंकि वो तो यहाँ देखी नहीं है तो इसकी वजह से वो जाएंगे लेने के लिए। अब वो आएंगे तो आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे हमारे पतिदेव का ब्लॉग आ रखा है तो कल के वाले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत कम प्यार दिया, ऐसा लगता है कि आप लोग प्यार ही नहीं करते हो। तो उन आप सबको पता है मुझे मैंने जब भाभी की लड़की आई थी तो उनको पहले ही मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप आइएगा तो ज़रूर आइएगा, और वे वेट कर रही थी कि हाँ कोई फ़ोन करे करे। और अचानक से हमने कल उनको फ़ोन भी किया कि हाँ भाभी आप क्योंकि उनको बहुत बार हमने फ़ोन किया उठा ही नहीं तो सो गई थी क्योंकि वो उनकी लड़की चली जाती है ऑफिस तो उनको समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे तो सो जाती हैं। तो आज आ रही हैं क्योंकि कल या परसों का ट्रेन भी हो चली भी जाएंगी तो आती हैं तो फिर आप लोग को उनसे मिलवाते हैं, वेट करिएगा।